पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के नॉर्थ कोस्टल एरिया में तापमान नीचे गिरे हैं और दो जगहों पर गंजम और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के बेलागुंडा और एयरकोला में हल्की बारिश दर्ज की गई है और पारादीप में डेंस फॉग भी ऑब्जर्व की गई है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम प्लेन्स एरिया में बुलांगीर में 13.5 डिग्री सेल्सियस, कीरी में 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी में 12 डिग्री सेल्सियस, सिमलीगुड़ा में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर में 17.5 और कटक में 16.8 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर 24 आवर चेंज की तो सबसे ज्यादा चेंज पारादीप में -1.9 डिग्री सेल्सियस का देखा गया है, क्योंझर में पॉजिटिव 1.6 डिग्री सेल्सियस का, भुवनेश्वर में -0.5 डिग्री सेल्सियस और कटक में -0.7 डिग्री सेल्सियस का चेंज देखा गया है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर की सामान्य से कितना डिपार्चर गया है तो डिपार्चर में नेगेटिव में बोलांगीर का -0.1 डिग्री सेल्सियस, फुलवानी का पॉजिटिव में 5.3 डिग्री सेल्सियस, सुंदरगढ़ का जमा +3.8 डिग्री सेल्सियस देखा गया, भुवनेश्वर में +1.4 डिग्री सेल्सियस का और कटक में 1.6 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर देखा गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। हम बात करें 5 दिन फोरकास्ट की तो पहले दिन के लिए क्योंझर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, उसके बाद 4 दिन तक ड्राई वेदर प्रिवेल होने की संभावना है। हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर की, अगले 3 दिन तक धीरे धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है, उसके बाद ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जाने की संभावना है। डे 1 में आज के दिन क्योंझर और मयूरभंज में हल्की वर्षा की संभावना है। अगर हम बात करें वार्निंग में तो डे 1 में 6 जगहों पर फोक डेंस फोक की वार्निंग भी दी गई है। 28 तारीख को 6 जगहों पर एक दो स्थानों पर कोल्ड वेव की वार्निंग दी गई है, बोलांगी, सोनपुर, बारगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद 29 तारीख को 10 जगहों पर कोल्ड वेव की 1-2 स्थान पर होने की संभावना है, उसकी बाद येलो वार्निंग दी गई है। और डे 5 में भी 5 दिन के लिए पांच जगहों पर नौपाड़ा, बुलांगी, सोनपुर, बारगढ़ और झारसुगुड़ा में कोल्ड वेव 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है।